हेलो, कैसे हेलो, हो आप? ठीक हूँ डॉक्टर। आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी? और बताइए, आज कैसे इधर आना हुआ? डॉक्टर, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। जी डॉक्टर, मेरी वाइफ ना 5 महीने से प्रेग्नेंट है, जी और मैं जानना चाहता हूँ कि उस दौरान ओरल सेक्स से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या ये आपका पहला बच्चा है? जी डॉक्टर। ओके, देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये सवाल उठना लाजमी है। और ये आपका पहला बच्चा है तो उसके लिए चिंता करना भी लाजमी है। जी बिल्कुल। आप कितने केयरिंग हो ये आपको देख के पता चलता है कि आप अपनी खुशी को साइड में रख के उनकी प्रेगनेंसी को सेफ रखना चाहते हो। लेकिन आप घबराइए मत, इस सिचुएशन में भी आप ओरल सेक्स कर सकते हो। पर डॉक्टर, उससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा? और अगर इन्फेक्शन हो गया तो बच्चे तक डॉक्टर? देखिए, आपका ये सवाल आपके माइंड में जो चल रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप घबराइए मत, जी डॉक्टर। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जी डॉक्टर। अगर उनकी डिलीवरी नॉर्मल है हाँ और उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप डिलीवरी तक ओरल सेक्स कर सकते हैं। जी डॉक्टर। और सेक्स से मेरा मतलब है कि आप किसी भी तरह का सेक्स, यानी ओरल सेक्स, इनर सेक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे कभी कभी महिलाओं की प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की कमी हो जाती है। पर हाँ, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में हार्मोन्स की हलचल कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से उनकी तकलीफें कुछ बढ़ जाती हैं, जैसे बैक पेन, सूजन, अन्य और कई तकलीफें हैं, जिस वजह से उनका सेक्स की तरफ से ध्यान उठ जाता है और दोनों का मन नहीं करता है सेक्स करने का। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है सेक्स ना करने की। जी डॉक्टर। और रही बात इन्फेक्शन फैलने की, तो ये तभी हो सकता है अगर आपके पार्टनर को माउथ इन्फेक्शन, माउथ अल्सर या फिर जुकाम हो। जी डॉक्टर। इस केस में उनके थूक से आप में वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वो कैसे डॉक्टर साहब? इस दौरान आपको ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पार्टनर को एसटीआई है तो उनके थूक से बैक्टीरिया फैलने का अधिक खतरा होता है। जी मैं ध्यान रखूंगा। इन दो केस के अलावा अगर आप साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं तो भी आपको ओरल सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी मैं समझ गया। मैं कई दिनों से इसके बारे में सोच रहा था, अब जाके मेरा डाउट क्लियर हुआ है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ और सावधानियाँ जो हमें बरतनी चाहिए? जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, जी ओरल हाइजीन, और इसके अलावा और भी कुछ बहुत ज़रूरी है। वो क्या जरूरी है मैडम? जिस वक्त आप ओरल सेक्स कर रहे हो जी उस वक्त अपनी वाइफ की योनि में हवा ना भरें, हाँ, क्योंकि झटके से प्रवेश की गई हवा एक एयर बबल के रूप में उनके ब्लड वेसू को ब्लॉक कर सकती है, जिसे हम एयर एम्बोजम कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे और माँ दोनों की जान जा सकती है। और दूसरी बात यह ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ प्री मैच्योर डिलीवरी में जा सकती है तो आप ओरल सेक्स करना बिल्कुल बंद कर दें। जी डॉक्टर। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान और रखें कि प्रेगनेंसी के समय आपकी वाइफ ज़्यादा देर तक अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रही है। जी और हाँ, इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय प्रॉपर चेकअप की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। और डॉक्टर साहब, आपने एयर एम्बोजम के बारे में बात करके ना हमारी बहुत मदद की। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।